हरिद्वार में देहरादून जा रही यूपी रोडवेज की एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। दो दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद बहुत देर तक बस हवा में लटकी रही, जिसमें से निकलकर कई यात्रियों ने अपनी जान बचाई। देहरादून जा रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस हरकी पैड़ी के सामने हाईवे पर पुल से पलटकर अंडरपास के पिलर पर लटक गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही सीपीयू ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत बचाव का कार्य शुरू किया। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बस में दो दर्जन से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से करीब 20 यात्रियों को चोटें आई हैं। सभी यात्रियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।